नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दो माह में सोना 13.95% और चांदी 26.67% महंगी हुई है, जबकि निफ्टी ने 3.36% और सेंसेक्स में 2.53% रिटर्न दिया है। भारतीय टेलीकॉम ब्लॉक डील के जरिए एयरटेल में अपनी 2.75% हिस्सेदारी 7,600 करोड़ रुपए में बेचेगी। कोरोना संकट से प्रभावित कंपनियों की सहायता के लिए जापान 70 लाख करोड़ रुपए का नया प्रोत्साहन पैकेज जारी करेगा। यह जापान के जीडीपी के 21% के करीब है। रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन क्रेडाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्षेत्र की कंपनियों को लोन रिस्ट्रक्चरिंग और अतिरिक्त कर्ज सुविधा मुहैया कराने की मांग की है। ब्रिटेन में बैंक ऑफ इंग्लैंड कोरोना वायरस संकट के कारण रुपए जमा करने पर ब्याज देने की बजाय जमाकर्ता से ब्याज ले सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।